बात कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8 बजे, आज दिन मंगलवार का है, डेट है 8 मार्च, और सुबह के सारे कामों से फ्री होकर नहाकर आ चुकी हूँ। अभी चाय नहीं बनी है, जैसे दीपक के लिए टिफिन बना, दिनेश के लिए और दीपक के लिए नाश्ता भी बन चुका है। तो दीपक कॉलेज गया है, स्कूल गया है, और ये चाय पीकर गैरेज गए हैं। और यहाँ पर देखिए इम्बू का हरा बनिया आ चुका है, तो इसके लिए रोटी भी दे देनी है। इसे रोटी दे देती हूँ और मैं चाय बना कर ले लेती हूँ। अभी चाय नहीं बनी है, सोचा ना सबके काम से फ्री हो जाओ, सब चले जाए, फिर बाद में हमें काम होते रहेंगे। तो दूध अभी भी आ चुका है, तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे चाय वाय मेरी हो चुकी, तुरंत मैंने दाल और एक साइड चावल रख दिए, तो दाल चावल बन चुके हैं, रोटी भी बन चुकी है। अब सुबह के 9:30 बज रहे, दिनेश मॉर्निंग क्लास करके आ चुका है, तो ये खाना खा ले रहा है। पापा जी भी नहाकर आ चुके हैं, तो उनके लिए भी खाना परोस दिया है। और अब मैं कर ले रही हूँ पूजा। पूजा करने में थोड़ा सा लेट ही हो जाता है आजकल, क्योंकि सबका एक टाइम का खाना पीने का इंतजाम कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने में ना मुझे आराम से 1 घंटा लग जाता है, इसी वजह से दाल चावल रोटी बनाकर सबको खाना परोस देती हूँ, फिर मैं तसल्ली से अपने काम करती रहूँगी। तो यहाँ पर मेरी नित्य पूजा हो चुकी है, भगवान के दर्शन करके तुलसा जी में जल चढ़ाकर आ जाते हैं। जल, फूल, पानी, हल्दी, कुमकुम सब ले लिया है। तुलसा जी में जल चढ़ाकर दर्शन करके मैं आ चुकी हूँ, मेरी पूजा हो चुकी है। और गन्या को बिस्किट दे रही हूँ, बहुत भूखा है ये। तो देखिए गन्या को बिस्किट दे दिया खाने के लिए, तो बिस्किट खा ले रहा है। और मेरे किचन के काम बहुत सारे पड़े हैं, जैसे सबका एक टाइम का खाना पीना हो चुका है, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं। और आज मुझे टमाटर का अचार भी बनाना है, तो सारे किचन के काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, फिर कपड़े वपड़े होते रहेंगे। कपड़े नहीं धोऊँगी अभी, सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके पहले मैं अचार बना लेती हूँ। और एक दीदी ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि अचार बना कर दिखाइएगा, तो उन्हीं की फरमाइश पर मैं ये अचार बना रही हूँ। तो चलिए पहले मैं बर्तन क्लीन कर लूँ, बहुत सारे बर्तन हो गए किचन में, और थोड़े से नीचे भी रख दिए हैं। ये भी खाना वाना खा के दोबारा से गैरेज चले गए। तो सुबह का एक टाइम का सबका खाना पीना हो चुका है, अब तसल्ली से मैं काम करती रहूँगी दोपहर तक। तो टमाटर का अचार बनाने के लिए यहाँ पर टमाटर निकाल कर ले रही हूँ, लाल लाल कलर के। तो ये देखिए सारे टमाटर अच्छे लाल हैं, मगर फिर भी इसमें से जो ज़्यादा पके हुए वही ले रही हूँ। और सारे सुबह के काम मेरे हो चुके हैं, जैसे सबका खाना पीना भी हो चुका है, और बर्तन वर्तन सारे क्लीन करके फ्री होकर मैं आ चुकी हूँ अचार बनाने के लिए। और यहाँ पर पापा जी के लिए गर्म पानी रख दिया है। तो ये टमाटर का अचार बनाने के लिए यहाँ पर लाल लाल कलर के इस तरह से 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं। तो इस तरह से पके हुए एकदम लाल लाल टमाटर हमें चाहिए अचार बनाने के लिए। तो चलिए अचार बना लेते हैं। और इससे पहले मैं कभी अचार बनाया नहीं, मैंने आज पहली बार बना रही हूँ। आपकी फरमाइश पर किसी ने कमेंट किया था कि क्या अचार बनाकर दिखाइए, तो उन्हीं की फरमाइश पर यह अचार बन रहा है। चलिए अचार बनाना शुरू कर देते हैं, फटाफट से कर लेंगे। अभी कपड़े भी धुलने हैं, तो अचार बनाकर रख दूँ, फिर दोपहर के लंच में खाकर टेस्ट भी देख लेंगे इसका कि कैसा लगता है। तो चलिए तब तक मैं सारे काम फटाफट से कर लूँ, जब तक सब दोबारा से लंच के लिए आ जाते हैं दोपहर के, तब तक। पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे हॉल में रख देती हूँ फैन ऑन करके, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अचार बनाने के लिए टमाटर बारीक काट लेते हैं, और ये टमाटर धुल कर ही मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी मार्केट से ले आते हैं, पहले धुल कर ही पोंछ कर ही इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये सारे टमाटर धुले हुए हैं, तो हम इसे काट लेते हैं। और ये छुरी ना मेरी ज़्यादा धारदार है नहीं, क्योंकि बच्चे भी फल वगैरह काटते हैं, तो कहीं लगवा ना ले, इसी वजह से मैं छुरी धारदार नहीं रखती हूँ।
सारे टमाटर इस तरह से बारीक काट लिए हैं। हम गैस ऑन कर देते हैं, इस पर कढ़ाई रख देते हैं और इस कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। अब ये सारे टमाटर इसमें डालकर हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे, जिससे टमाटर गलने तक। तो ढककर पका लेते हैं। तो इसे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें एक बार चम्मच मिलाएंगे इस तरह से और फिर से ढककर रख देंगे। तो इसी तरह से बीच बीच में चम्मच मिलाकर हम इसे फिर से ढककर रख देंगे, जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए तब तक। तो यहाँ पर इस अचार में डालने के लिए 1 चम्मच मेथी ले ली है, लहसुन छील लिया है 10-12 कलियाँ और इस तरह से टुकड़े बना लिए हैं, और खड़ी लाल मिर्च ले ली है 7 से 8, और इसमें ये इमली का पल्प भी पड़ेगा, तो ये 50 ग्राम इमली है जिसे मैंने पकने के लिए रख दिया है थोड़ा सा पानी डाल के। और ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसमें हमें 10 से 15 मिनट लग चुके हैं। तो इमली अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह से चम्मच से मिलाकर, ज़्यादा गर्म है तो चम्मच से मिला रही हूँ, और जो भी इसमें के बीजे रेशे हैं वो सारे निकाल कर, ये पल्प निकाल लिया है, तो 50 ग्राम इमली का पल्प है ये। अब इस गले हुए टमाटर में इमली का पल्प डालेंगे, डाल के अच्छे से मिला लेंगे, और जो भी इसमें का पानी है वो सारा जल जाए तब तक हम फुल गैस पे इसे तुरंत तुरंत मिलाते हुए पका लेंगे। अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये टमाटर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें इस बड़े मिक्सी जार में लेकर थोड़ा सा पीस लेंगे, जैसे दरदरा सा, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस 1 से 2 बार चलाया है, बस इसे निकाल कर रख देना है। अब अचार को तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर कढ़ाई रख दी, इसमें 4 चम्मच ऑयल ले लिया है, ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें राई डाल दी है, अगर आपके पास सरसों का तेल हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो, उसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, मगर जो डेली सब्जी में मैं डालती हूँ वही ऑयल मैंने ले लिया है। जैसे राई चटकने लगी फिर बाद में मैंने इसमें 1.5 चम्मच जीरा और 1 चुटकी हींग डाला है, फिर बाद में 1 चम्मच मेथी दाना, ये सबको अच्छे से चटकने देते हैं। अब डालेंगे सूखी लाल मिर्च और इस प्रोसेस में गैस धीमी रख देंगे, लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है वो जल्दी से जल जाती है। फिर बाद में डालेंगे हम ये लहसुन, आप चाहो तो कड़ी पत्ती भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिला लेंगे धीमी गैस पे। अब डालेंगे हम ये पीसे हुए टमाटर, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। देखिए क्या लाजवाब कलर आया है इस अचार को, अभी तो इसमें मसाले डालने बाकी है। तो अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से भी कम नमक, जिसे स्वादानुसार नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। धीमी गैस पे 2 मिनट तक हम इसे ढककर पका लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अचार को खोल कर देखते हैं। ये देखिए टमाटर का अचार बनकर तैयार है, और कितना यम्मी दिख रहा है ये, और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, इतनी लाजवाब आ रही है, जैसे देखते ही खाने का मन हो रहा है। तो ये देखिए टमाटर का अचार बनकर तैयार है, और इसका कलर देखिए कितना यम्मी टमाटर का अचार दिख रहा है, और इसकी खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही है ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स अचार बनकर तैयार है, और इसकी खुशबू ना इतनी अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी आ रही है। देखिए देखिए दिखने में भी कितना यम्मी दिख रहा है,
और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो टेस्ट तो करके देखेंगे, मगर इसे ठंडा होने के बाद, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, तो मैं इसे एक इस बर्तन में निकाल कर रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए। फिर ठंडा होने के बाद इसे हम एक डब्बे में भर कर रख देंगे। तो ये टमाटर का अचार एक अलग बर्तन में निकाल कर रख दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर बाद में मैं इसे डब्बे में भर कर रख दूँगी। एक महीने तक चल जाता है, बिना फ्रिज में रखे हुए भी एक महीने तक आप खा सकते हो स्टोर करके। अगर फ्रिज में रख के खाओगे तो ये 2 से 3 महीने चल जाएगा। अचार को देख के अब सब रेडी। अब पहले हम अचार खा कर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो गर्मा गर्म रोटी और ये टमाटर का अचार। तो इन्होंने जैसे टेस्ट किया तो बोलने लगे बहुत सुपर बना है। तो ये टमाटर का अचार सच में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स। तो अचार बनने के बाद देखिए काफ़ी सारे बर्तन हो गए, जैसे लंच भी हो गया है, तो लंच किए हुए बर्तन, अचार बनाए हुए बर्तन बहुत सारे हो गए। तो सारे बर्तन पहले क्लीन कर लेती हूँ। तो जो सुबह क्लीन किए हुए बर्तन है सारे रैक में लगा दे रही हूँ। बर्तनों का ढेर लगा है, तो ये सारे बर्तन पहले क्लीन कर लूँ, फिर कपड़े भी धुलने हैं। अभी खाना वाना खा लिया है, अब ये बर्तन क्लीन कर लूँ। जब अचार वचार कुछ ऐसी चीज़ें बनते हैं तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसी टमाटर का अचार बनाया ना। और लंच भी हो चुका है और अचार हमने टेस्ट करके देखा है, इतना सुपर अचार बनाए ना आप, अगर एक बार बनाओगे ना तो बस बनाते ही रह जाओगे, और टिक भी जाता है, 2-3 महीनों तक टिक भी जाता है। तो आप ये अचार बनाकर ज़रूर खा लेना फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है और सब घर में खा लेंगे। ज्वार की रोटी के साथ इतना टेस्टी लग रहा है, तो चपाती के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। हमारे घर में ज़्यादातर ज्वार की रोटी खाई जाती है, तो उसी के साथ हमने खा लिया, बहुत टेस्टी लग रहा था। तो अगर आपको कहीं टिफिन में चपाती, टिफिन में अगर देना हो चपाती और ये अचार दे सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। पराठों के साथ भी खा सकते हो और गर्मा गर्म चावल के साथ भी थोड़ा थोड़ा सा इसका मज़ा ले सकते हो, बहुत अच्छा अचार लग रहा है। तो ज़रूर बताना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि अचार आपको कैसा लगा है। और सबसे पहले उन दीदी को थैंक यू जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि आप अचार बना के दिखाइए, उनकी वजह से मैं अचार बना पाई, नहीं तो मैं बनाती नहीं। जैसे मुझे सोचता ही नहीं कि अचार भी बनाना चाहिए, और ये अचार बनता भी है, कभी बनाया भी नहीं और कभी टेस्ट भी नहीं किया था, मगर बहुत टेस्टी लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच उन दीदी को जिन्होंने मुझे कमेंट करके ये बताया कि आप अचार बनाइएगा। ये सारे बर्तन पहले धुल लिए हैं, अब यहाँ पर ये लिक्विड 1 चम्मच लेकर ये सारे बर्तन मांज लूँगी। 1 चम्मच में ही ये सारे बर्तन चमक जाएंगे, काफ़ी अच्छा लिक्विड है ये। जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर या साबुन से बर्तन मांज लेते हैं ना, तो मेरे हाथ ना बहुत ख़राब हो रहे, वो केमिकल से नहीं पा रहे, इसी वजह से लिक्विड ले आए, काफ़ी अच्छे, हाथ भी ख़राब नहीं होते और बर्तन भी चमक जाते हैं। तो चुप चुपे बर्तन जैसे अचार बनाए हुए बर्तन जैसे बहुत ज़्यादा चुपचुपे हो जाते हैं, तो सारे बर्तन अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, काफ़ी अच्छा लिक्विड है। सारे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, तो गैस भी अच्छे से पोंछ लेती हूँ, सब धुल लिया है। तो दिनेश आ चुका है, तो दिनेश को ये टमाटर का अचार और चपाती दे दूँगी। हम तो नहीं खाते चपाती, मगर बच्चे खा लेते, दीपक दिनेश खा लेते, और ये अचार ना आधा ख़त्म भी हो गया है, डब्बे में भर कर रखने के लिए बचा ही नहीं। मैं सोच रही थी इसे डब्बे में भर कर रख दूँ, मगर ये आज ही ख़त्म हो जाएगा। टेस्टी चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो दिनेश भी बोल रहा है मम्मी बहुत अच्छा अचार बना है। धूप भी देखिए, अचानक से धूप चली गई, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, तो आज बादल हो गए हैं, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। तो खिड़कियों से देखिए, बस एक खिड़कियों से चमकने लगता है, कुछ दिखता नहीं सही से, मगर धूप चली गई, बादल से हो गए हैं। तो कपड़े धुल देती हूँ, बाद में कपड़े सूख भी पाएंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं प्रेरण करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर। और टमाटर का अचार आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स।